वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लास नाइन्थ प्ले इफ आई वर यू, जिसको लिखा है डॉगलस जेम्स नाम के राइटर ने। ये जो स्टोरी है इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं और एक वन एक्ट प्ले है। तो वन एक्ट प्ले जैसा होता है, तो एक सीन का प्ले है। इसमें मेन कैरेक्टर है जेरार्ड और दूसरा कैरेक्टर है इंट्रूडर। इस प्ले के थीम की बात की जाए तो इट बेसिकली फोकसेस ऑन द नीड टू एक्ट इन एन इंटेलिजेंट वे एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। एक छोटी सी शॉर्ट समरी या डिस्कशन हम आज इस प्ले के बारे में करने वाले हैं। लेट अस सी द स्टोरी। यहाँ पे एक इंट्रूडर है जो कि जेरार्ड के कॉटेज में एंटर करता है। जेरार्ड जो है वो एक प्लेराइट है, वो एक छोटे से घर में रहता है और एक दिन उसके घर में एक इंट्रूडर घुस जाता है। इंट्रूडर के हाथ में पिस्टल है और वो जेरार्ड को मारना चाहता है। उसने उसके बारे में कुछ चीज़ें सुन रखी हैं और वो एक मर्डरर है और वो पहले भी एक जन को मार चुका है और पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है क्योंकि उसने एक पुलिस वाले का ही खून किया है। पुलिस उसको काफ़ी समय से चेस कर रही है और वो चाहता है कि वो जेरार्ड की आइडेंटिटी अडॉप्ट कर ले ताकि वो जेरार्ड बन के पीसफुली रह सके और जेरार्ड को मार देगा। ये इंट्रूडर की प्लानिंग है। अब जो सीन हो रहा है उसमें ये होता है कि जब इंट्रूडर उस घर में आता है तो जेरार्ड पहले से तैयारी कर रहा होता है कहीं जाने की। वो अपने रिहर्सल के लिए जाना चाहता है, अपने नए ड्रामा के लिए, और वो प्रिपेयर कर रहा था अपने बेड पे अपने प्रॉप्स रिहर्सल के लिए। इंट्रूडर के हाथ में रिवॉल्वर देखता है, बट ये देख के भी जेरार्ड बिल्कुल घबराता नहीं और उससे बहुत कैजुअली कूल तरीके से बात करता है और वो पूछता है कि तुम हो क्या, तुम्हारा कौन सा लाइन ऑफ क्राइम है। तो काफ़ी ह्यूमरस सीन यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो वो बताता है कि वो एक ज्वेल रॉबर है। तो बोलता है कि तुम अगर ज्वेलरी रॉब करते हो तो यहाँ एसेक्स में जिस जगह पे हम हैं यहाँ तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। तब वो उसको पूरी कहानी बताता है कि मैंने एक आदमी का खून कर रखा है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी ले लूँ क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा दिखता हूँ और तुम जैसे सोफिस्टिकेटेड तरीके से बात करते हो वो बात करना मेरे लिए बहुत आसान है और जितना मैंने तुम्हारे बारे में होमवर्क कर रखा है तुम्हारे जैसा बनना मेरे लिए बहुत आसान है। वो जेरार्ड की आइडेंटिटी अडॉप्ट करना चाहता था। तो जेरार्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है, जैसे उसका पूरा नाम क्या है इस तरीके से। अब जेरार्ड जो है वो एक स्टोरी ऑलरेडी कन्विंस करने के लिए एक स्टोरी बना चुका है। वो इंट्रूडर को बताता है कि वो खुद एक मर्डरर है जिसके खिलाफ पुलिस है। वो बताता है कि अगर उसने उसको मार भी दिया तो उसको मारने के बाद भी उसकी कोई मदद नहीं हो पाएगी। उसके ऊपर मर्डर का चार्ज तो पहले से ही लगा हुआ है और पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, इसीलिए जेरार्ड कहीं आता जाता नहीं है, उसको कोई ट्रेड्स पीपल देखने नहीं आते और इसलिए जेरार्ड अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपा के रखता है। इसलिए जेरार्ड का सोशल सर्कल बहुत छोटा है। जो चीज़ें उस इंट्रूडर को पहले बहुत एक्साइट कर रही थी जेरार्ड बनने के लिए, अब वही चीज़ें उसके अगेंस्ट चली गई। अब जब ये सब सुनता है इंट्रूडर तो इंट्रूडर सोचने लग जाता है। उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो जेरार्ड के ऊपर अपना कंट्रोल जमा ले और वो बोलता है कि जल्दी करो जेरार्ड क्योंकि हमको ऐसे निकलना पड़ेगा। तो बोलता है चलो मेरी गाड़ी में चलते हैं एक सेफ प्लेस में, मेरे लोग वहाँ पे हैं, अगर तुम्हें लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो तुम मुझे गन से मार देना। गन लिए हुए इंट्रूडर को वो आगे बढ़ाता है और एक दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं जो कि एक्चुअली में कबर्ड होता है। तो इंट्रूडर इतना बेवकूफ था कि उसने देखा ही नहीं कि वो कबर्ड में एंटर कर रहा है। जैसे ही वो कबर्ड में एंटर करता है गन उसके हाथ से छूट जाती है और वो उसको वहाँ पे लॉक कर देता है। अब आता है स्टोरी का क्लाइमैक्स, जब जेरार्ड ने उसको कबर्ड के अंदर ढकेल दिया, रिवॉल्वर हाथ से गिरती है और जेरार्ड जाता है और कबर्ड को क्लोज करता है, रिवॉल्वर उठाता है और पुलिस को कॉल करता है ताकि उस आदमी को अरेस्ट कराया जा सके। तो यहाँ पे एक्चुअली जो शिकारी है वो खुद ही शिकार बन जाता है। तो आई होप यू लाइक द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।